हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस सब्जेक्ट। आवर सब्जेक्ट नेम इज साइंस। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल हमने फोर्थ स्टैंडर्ड का साइंस का स्टेट बोर्ड का बुक रेफर किया था। इन दिस ईयर हम फोर्थ स्टैंडर्ड का साइंस का सीबीएसई पैटर्न का ये बुक रेफर करने वाले हैं। लुक दिस। ओके, इन दिस बुक आवर फर्स्ट लेसन नेम इज फूड फॉर प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या है हमारे चैप्टर का नाम, हमारे लेसन का नाम फूड फॉर प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आप सोच रहे होंगे फूड फॉर प्लांट्स, तो स्टूडेंट्स जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं, ह्यूमन एनिमल प्लांट। अभी आप सोच रहे होंगे ह्यूमन तो फूड ईट करते हैं, एनिमल भी फूड ईट करते हैं, लेकिन प्लांट कैसे करेंगे? सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी क्या करते हैं, फूड अपना खुद प्रिपेयर करके ईट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें क्या देखने हैं, 3 पॉइंट्स देखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट क्या देखना है हमें, टाइप्स ऑफ लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर का क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ लीव्स। सो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे टाइप्स ऑफ लीव्स तो ठीक है, लेकिन पार्ट्स ऑफ लीव्स कैसे हो सकता है? तो स्टूडेंट, जो लीव होते हैं उसके भी क्या होते हैं, हमारे बॉडी जैसे भी पार्ट होते हैं, हमारे बॉडी को कैसे पार्ट रहते हैं, वैसे ही लीव को भी क्या रहते हैं, पार्ट रहते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट फूड फॉर प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट्स हमें क्या करना है, इस चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, देखो अभी व्हेन यू विल फील, यू कैन ईट फूड, जब आप हंग्री होते हैं आप क्या करते हो, फूड ईट करते हो ना? यस। देखो अभी स्टूडेंट, आप जब घर के बाहर निकलते हो तो आपको दिमाग में ऐसा सवाल आता है क्या, अरे इतने प्लांट्स है, इस ट्री है, इस ट्री प्लांट के लीव्स लीफ ग्रीन के होते हैं, आता है आपको ये सब आंसर क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में, बहुत से तरह के आते होंगे, अरे कोई कलर दे रहा होगा या फिर कुछ कुछ, आपको साइंटिफिक रीजन पता है क्या, लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, पता है? अभी आप साइंस स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस लीफ में क्लोरोफिल नाम का क्या होता है, सब्सटेंस रहता है। कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का क्या रहता है, सब्सटेंस रहता है, मतलब पदार्थ रहता है। क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का क्या होता है, एक द्रव रहता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल सब्सटेंस। उससे ही जो प्लांट के ट्रीज के जो लीव्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लांट के लीव्स लीव ग्रीन क्यों रहते हैं, सो उसमें क्लोरोफिल नाम का क्या रहता है, सब्सटेंस रहता है। इन दिस वे, इन दिस के प्लांट्स का कलर, प्लांट्स के लीव्स का कलर ग्रीन रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीव्स, पार्ट्स ऑफ लीव्स। अभी हम फर्स्ट देखेंगे पार्ट्स ऑफ लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट्स ऑफ लीव्स, हमारे बॉडी के किसी पार्ट से, हमें हैंड है, हमें हेड है, हमें लेग है, हमें स्टमक है, आई नोज एक्सेट्रा, ऐसे हमारे बॉडी को किसी पार्ट देते हैं, वैसे ही लीव्स को भी क्या रहते हैं, पार्ट रहते हैं, लीव को भी क्या रहते हैं, पार्ट रहते हैं। चलो अभी यहाँ पे मैं लीव निकाल के देती हूँ आपको। ओके, ये क्या है, यहाँ पे लीव है, क्या है, लीव। अभी इस लीव को क्या पार्ट है अभी आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे वन लीव निकाला है, इसे क्या बोलते हैं, लीव। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, लाइन दिख रही है छोटी वाली, इसे क्या बोलते हैं हम, वेंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, वेंस। उसके बाद जो यहाँ पे इसका ये जो बॉर्डर है इसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं,
ब्लेड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको, ये डबल गई हुई, इसे क्या बोलते हैं? मीन रीड। ओके स्टूडेंट, ये आपके बॉडी के जैसे पार्ट होते हैं वैसे ही ये लीफ के भी क्या है? पार्ट है। सो मैंने यहाँ पे नाम आपको राइट करके बताया है। सो स्टूडेंट, लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो स्टूडेंट, ये लीफ प्लांट का क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे बॉडी का जैसा हेड, हैंड, ऑल पार्ट जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे प्लांट का लीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। देखो अभी ये जो फ्लैट सरफेस रहता है इसे क्या बोलते हैं? लीफ का ब्लेड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद द मेन वेन कैन बी सीन रनिंग थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द लीफ। ओके स्टूडेंट्स, ये जो रहती है मेन वेन रहती है वो कहाँ रहती है? लीफ के सेंटर में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मेन रिब बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ साइड वेन आर सीन इमर्जिंग फ्रॉम अ पैरेलल टू द मेन वेन। देखो अभी मैंने यहाँ पे जो वेन निकाला है वो कैसे रहते हैं? इस लीफ के पैरेलल साइड में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये लीफ का समझ में आया? तो नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ लीव्स। सो स्टूडेंट्स, अभी आप बोल रहे होंगे अभी पार्ट्स ऑफ लीव्स देखा है तो टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, आपको पहचान नहीं आता है क्या? अलग अलग ट्री के, अलग अलग प्लांट्स के क्या होते हैं? अलग अलग लीव्स होते हैं, होते हैं ना। सो स्टूडेंट्स, अभी हमें वो ही देखना है। रोज का लीव कैसा रहता है आपको पता है? इसे उसे क्या रहते हैं? इसे काटे रहते हैं ना। सो स्टूडेंट्स, वैसे ही उसके बाद जो नीलगिरी का पेड़ होता है उसके लीव कैसे रहते हैं? बड़े रहते हैं ना। उसके बाद गुलमोहर के कैसे रहते हैं आपको पता है? इसे छोटे 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 लीव्स रहते हैं ना। उसके बाद जो देवदार वृक्ष रहता है उसके भी लीव कैसे रहते हैं? ऐसे स्ट्रेट रहते हैं ना। सो स्टूडेंट्स, ऐसे मेनी प्लांट्स के मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स रहते हैं, मतलब वन प्लांट के वन ही टाइप के लीव्स रहते हैं। आप सोच रहे होंगे अभी ये रोज का लीव है तो रोज को बहुत टाइप्स के लीव्स रहेंगे। सो लीव, रोज का लीव एक ही टाइप का रहता है, वो ऐसे ही रहेगा पूरे रोज का लीव। ओके स्टूडेंट, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। टुमारो विल बी नेक्स्ट टॉपिक स्टडी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।